एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बारे में। सोमवार को बीएस येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया है। इससे पहले बीएस येदियुरप्पा ने एक भावुक बयान भी दिया था, जिसमें बीएस येदियुरप्पा ये कहते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कई संकटों का सामना भी किया, जिसके बाद से ये बयान जो है वो काफी वायरल भी हुआ। इसको लेकर अब जो है वो फिर से सियासत गर्माती नजर आ रही है। जी हां, बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के नेता ने जो है वो फिर से मोदी सरकार पर हमला किया है। रणदीप सुरजवाला ने मोदी से सवाल भी पूछे हैं। बता दें आपको कि रणदीप सुरजवाला ने कहा है कि मुख्यमंत्री बदल देने से आपका भ्रष्ट चरित्र जो है वो नहीं बदलने वाला है। और भी कई बातें रणदीप सुरजवाला ने अपने बयान में कही है, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया है कि जबरन सेवानिवृत्ति क्लब में शामिल किए गए येदियुरप्पा प्रधानमंत्री मोदी के सबसे ताजा शिकार हैं। पार्टी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजवाला ने यह दावा भी किया है कि चेहरा बदलने से कर्नाटक में बीजेपी का भ्रष्ट चरित्र नहीं बदलने वाला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सिर्फ चेहरा बदलने से बीजेपी का भ्रष्ट चरित्र नहीं बदलने वाला है। सच्चाई यह है कि मोदी जी अन्नदाता वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को अपमानित करते हैं और उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में डाल देते हैं। जी हां, सुरजवाला ने दावा किया है, मोदी जी का रिकॉर्ड है कि उन्होंने आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, केशु भाई पटेल, शांता कुमार जी, यशवंत सिन्हा जी और कई अन्य लोगों की जबरन सेवानिवृत्ति कराई है। मोदी जी के शिकार बीजेपी नेताओं में सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज, उमा भारती, सीपी ठाकुर, एके पटेल, हरेन पांड्या, हरीन पाठक और कल्याण सिंह भी हैं। इसमें सबसे ताजा नाम हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी का है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस्तीफा देने के लिए आदेश देकर मोदी जी द्वारा येदियुरप्पा को अपमानित किया गया है। वह मोदी जी के सबसे ताजा शिकार हैं और जबरन सेवानिवृत्ति क्लब के सदस्य बने हैं। हम जानते हैं कि अब बीजेपी के विधायक नहीं है बल्कि दिल्ली का अधिनायकवाद मुख्यमंत्री का फैसला करता है। गौरतलब है कि बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सोमवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंप दिया। येदियुरप्पा ने राजभवन में गहलोत को इस्तीफा सौंपा। उन्होंने बताया है कि उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है। इससे कुछ ही घंटों पहले भारतीय जनता पार्टी के 78 वर्षीय नेता ने कहा था कि वह मध्याह्न भोजन के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। वहीं आपको बता दे कि येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आपको बता दे कि येदियुरप्पा ने 2008 में अकेले अपने दम पर कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता में ला दिया था। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व से किए वादे के मुताबिक 2 साल बाद होने वाले चुनाव में पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए वे काम शुरू करेंगे। किसी भी नेता ने अब तक येदियुरप्पा की तरह यह नहीं कहा है कि वे मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पार्टी ने 78 और 79 साल में ही काम करने की अनुमति दी है। येदियुरप्पा ने ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार भी जताया था। येदियुरप्पा का सार्वजनिक तौर पर अपने इस्तीफे की योजना की पेशकश एक तरह से यह दर्शाता है कि उन पर पद छोड़ने के लिए कितना दबाव पड़ा होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि हम लोगों ने अब तक किसी नेता को पद देने के दौरान ऐसी योजना के बारे में नहीं सुना था। पहली बार किसी नेता को पद से हटाने की योजना के बारे में सुन रहे हैं। राज्य की राजनीति में और प्रमुख जातीय समूह लिंगायत समुदाय के नेता के तौर पर येदियुरप्पा का कद निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा है।
कर्नाटक में येदुरप्पा के जनाधार चलते ही नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए अपना अभियान शुरू करते हुए उन्हें पार्टी में वापस बुला लिया था। तब तक यह अंदाजा हो चुका था कि येदुरप्पा की कर्नाटक जनता पक्ष पार्टी के चलते 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को कितना नुकसान उठाना पड़ा था। इससे पहले 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान येदुरप्पा ने दक्षिण भारत के लिए बीजेपी का दरवाजा खोलने वाली जीत हासिल कर पार्टी के बड़े नेताओं को चौंका दिया था, लेकिन मई 2011 में भ्रष्टाचार के आरोप के चलते उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सरकारी जमीन को अपने बेटों के ट्रस्ट को देने के दो मामलों के चलते उन्हें अक्टूबर नवंबर 2011 में 23 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था, लेकिन राजनीतिक तौर पर वे बीजेपी के सबसे अहम नेता बने रहे। इतना ही नहीं, 2014-2019 के लगातार दो आम चुनावों में उन्होंने नरेंद्र मोदी को निराश भी नहीं किया। उम्र के आधार पर पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में उनकी जगह बन रही थी, लेकिन 2018 में पार्टी ने उन्हें अपवाद में रखा क्योंकि राज्य के प्रमुख जातीय समूह पर उनका दबदबा है। राज्य में 17% आबादी लिंगायत समूह की है, लेकिन अब येदुरप्पा के पद छोड़ने की घोषणा के बाद राज्य में पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाने से क्या कुछ हो सकता है, इसका अनुभव कांग्रेस पार्टी झेल चुकी है। अक्टूबर 1990 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से वीरेंद्र पाटिल को हटा दिया था। इससे ठीक एक साल पहले वीरेंद्र पाटिल ने राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 269 सीटें दिलाकर कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत दिलाई थी। वहीं पाटिल लिंगायत समुदाय के बड़े नेता थे, उनकी तबीयत खराब हुई थी और उसी दौरान कर्नाटक में सांप्रदायिक संघर्ष देखने को मिला था। राजीव गांधी ने पाटिल से मुलाकात से पहले दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। पाटिल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के फैसले ने लिंगायत समुदाय को कांग्रेस के खिलाफ कर दिया और सिलसिला आज भी बना हुआ है। वहीं बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि येदुरप्पा जब से मुख्यमंत्री बने थे तब से पार्टी की सबसे बड़ी चिंता यही है। हालांकि पार्टी में दो साल बाद होने वाले चुनाव में किसी नए चेहरे को पेश करने को लेकर भी विचार विमर्श चल रहा है। लिंगायत समूह के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि उन्हें पार्टी में पद छोड़ने को कहा है। इससे संकेत मिलता है कि पार्टी इस बात को लेकर निश्चिंत है कि लिंगायत समूह का साथ उसे मिल रहा है। इस बीच येदुरप्पा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बात भी कह दी है। वहीं बता दें आपको कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान के बाद से जो है वो सियासत गर्मा गई है और कई बवाल भी मचने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी की ओर से इसको लेकर बयान नहीं आया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।